शक्ति और इस देश का उज्जवल भविष्य। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज धरने का 53वां दिन है। वैसे तो हमारी मैनेजमेंट कमेटी का 8 सदस्यीय दल आज चंडीगढ़ जाना था, लेकिन मंत्री जी ने किसी कारणवश इमरजेंसी काम हुआ, मंत्री जी ने हमारा 8 सदस्यीय दल कल बात करने के लिए चंडीगढ़ बुलाया है। मैं बार बार समय समय पर यही कहता हूँ कि हम जीत के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन आप यकीन करके मानिए, हम जीत चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक रिटर्न पे मंत्री जी की और सीएम साहब के साइन की जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूँ सीआईडी सिक्योरिटी को, बार बार समय समय पर हमारे धरने को कमजोर करने की सरकार ने और प्रशासन ने कोशिशें की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यूथ ही हमारी मैनेजमेंट हमारे गाँव के खिलाफ सीआईडी सिक्योरिटी ने खड़ा किया, लेकिन मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज हमारा पूरा यूथ, पूरी मात्र शक्ति और पूरा गांव आज हमारे साथ है। आप ध्यान दीजिए, कभी कभी आपने अपने विरोधी आदमी की बात पर भी गौर करना लेना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि जंगे शुरू करना आसान बात है, उसको खत्म करना बहुत बड़ी बातें हो जाती है। हमने प्रशासन के खिलाफ जंग की, मैं एनसीआईएसएफ गेट पर ताड़ा मारने का काम किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 30 से 45 मिनट में अपने सक्सेस पॉइंट पर पहुंच चुके थे, हमारा फ्रंट फुट था वो, लेकिन हमें अपने ही मैनेजमेंट और अपने ही गांव के सदस्यों को कंट्रोल करने में डबल टाइम लगा है। आप देखिए, हमारे दुनिया के दो पावरफुल देश आज आपस में जंग कर रहे हैं, एक रूस और दूसरा यूक्रेन है। दोनों देशों का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन थर्ड पार्टी थर्ड देश उस मैनेजमेंट का फायदा उठाते हुए उनको थर्ड पार्टी का शिकार मत हुए, ऐसे आप बने रहे, ये बहुत आपके लिए और हमारे लिए अच्छा रहेगा। और मैं सभी युवा साथियों को एक बार फिर बताना चाहता हूँ, आप पॉजिटिव सोचिए, हमारा जो शरीर परमात्मा ने बनाया है, हमारा ह्यूमन सिस्टम जो बनाया है, उसमें दो चीजें फिट हैं, एक बुद्धि हमारे पास और बल भी हमारे पास है। आप इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो आपने सोचना है। मैं आपको अपने शरीर के ऊपर ह्यूमन पावर, मानव शरीर के ऊपर एक घटना बताना चाहता हूँ। हमारा शरीर ही पॉजिटिव और नेगेटिव पावर, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बनाता है। एक रिसर्च हुआ यूरोप में काफी सालों पहले, वहां के एक शख्स को सजाए मौत सुना दी गई कोर्ट के द्वारा। हमारे कोर्टों में जो सजाए मौत होती है वो फांसी के द्वारा दी जाती है, वहां की सजाए मौत होती है गोली के साथ शूट किया जाता है उसको, वो सजाए मौत हुई। लेकिन वहां की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया, उन्होंने जिस व्यक्ति को सजाए मौत थी, उन्होंने कोर्ट से ये मांगा कि ये व्यक्ति हमें दे दो, हम दुनिया के एक जहरीले सांप का रिसर्च करेंगे, उसकी तो सजाए मौत थी। वो जहरीला सांप आपको मैं नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, अफ्रीका में पाया जाता है, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा एक ऐसा सांप है जो आदमी को काटने से, छूटने से पहले ही आदमी सेकंड के 100वें हिस्से में मर जाता है। तो उस आदमी को सजाए मौत थी, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उससे पहले उसको वो सांप दिखाया गया कि आपकी मौत इससे होगी। लेकिन जब उसको पट्टी बांध दी गई, साइंटिस्टों ने, रिसर्च के वैज्ञानिकों ने उसकी गर्दन पर जो इंजेक्शन में निडल लगती, इस निडल से दो टच किए, और फिर बाद में जब उसकी पट्टी खोली गई तो वो बिल्कुल डेड था, एट द स्पॉट उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उसका मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर उसकी बॉडी ने इतना जहर अपने आप बना लिया जितना एक उस सांप में या नॉर्मल सांप में होता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है, आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव सोचोगे तो आप ऑटोमेटिक नेगेटिव की ओर चले जाओगे। आपने पॉजिटिव हर टाइम सोचना है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आप सिंपल लाइफ और हाईएस्ट थिंक लेके चलिए, लेकिन आज दुनिया उसके अपोजिट चल रही है। सिंपल लाइफ की तो छोड़िए, आज लोग चकाचौंध को पसंद करते हैं, और हाईएस्ट थिंक की बजाय आज लोगों की सोच नीचे जा रही है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।